अगर आपके टू व्हीलर की इंश्योरेंस पॉलिसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से है और उसको रिन्यू करने का टाइम आ गया है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 2 से 3 मिनट के अंदर आप उसे रिन्यू करना सीख जाएंगे। सबसे पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो आपका ये टू व्हीलर है इसकी आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो पॉलिसी खत्म हो रही है वो पॉलिसी का पीडीएफ या प्रिंट आउट आपके पास रखा हो, और साथ में जो इस व्हीकल के ओनर है उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि केवाईसी वेरीफाई का स्टेप या प्रोसेस कर सकें। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो इजीली आप पॉलिसी को रिन्यू करवा पाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे रिन्यू करें अपने टू व्हीलर की इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहले दोस्तों गूगल पर टाइप करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और उसके बाद देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यह हमें लेके जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से टू व्हीलर पॉलिसी को रिन्यू करना हम देखेंगे। इंश्योरेंस के सारे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। फ्रेश पॉलिसी अगर आप लेना चाहें तो कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस सब यहां से आप ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की भी जो इनकी बेस्ट सेलिंग प्लान्स है, बेस्ट सेलिंग पॉलिसीज है, वो सभी यहां पर लिस्टेड हैं। इनमें से आप चूज करना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस में भी डील करता है आईसीआईसी लोम्बार्ड, तो यहां से सिंगल ट्रिप, मल्टी ट्रिप पॉलिसी आप ले सकते हैं। बिजनेस इंश्योरेंस के बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इनमें से चूज किया जा सकता है। और इसके अलावा भी काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्रॉप इंश्योरेंस है, एनआरआई इंश्योरेंस, ये भी चूज किए जाते हैं। लेकिन आज रिन्यूअल की बात हो रही है तो रिन्यूअल के भी कार इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करनी हो, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब यहां से किया जा सकता है। लेकिन आज बाइक इंश्योरेंस की बारी है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, जहां पर हमसे 2 डिटेल्स में से 1 डिटेल मांगी गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर या पॉलिसी नंबर। तो मुझे लगता है पर्सनली कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना आसान है क्योंकि 5-6 डिजिट का ही होता है। तो आपकी आरसी के अकॉर्डिंग जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पर आपको दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा दर्ज करने के बाद आपको यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट पेज पर हम जा सकें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इंजन नंबर या चेसिस नंबर से हमें ऑथेंटिकेट किया जा रहा है, तो इंजन नंबर या चेसिस नंबर के आखिरी के 5 डिजिट ही एंटर करते हैं, वही काफी है, पूरा डालने की जरूरत नहीं है, ताकि वेरीफाई किया जा सके कि आप जेन्युइन यूजर हैं कि नहीं। तो रिन्यू माई पॉलिसी पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाता है, ये आपका प्रपोजल फॉर्म है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। तो सबसे पहले जो डिटेल्स हमें वेरीफाई करनी है वो है व्हीकल की, तो मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी व्हीकल से जुड़ी सारी डिटेल्स हैं, आपका आरटीओ, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, आप सब कुछ टैली कर सकते हैं अपनी आरसी के साथ ताकि कोई भी गलती यहाँ पर ना हो। लेफ्ट साइड में सारे एडोन्स हैं, चाहे आपको 0 डेप्रिसिएशन लेना है, कोई पीए कवर लेना है, सब यहाँ पर आपको लिस्टेड दिख जाएंगे अब। लेकिन क्योंकि ये थर्ड पार्टी पॉलिसी तो यहाँ पर आपको 0 डेप्रिसिएशन दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो वो भी आपको यहीं दिखाई देगा। तो ये चेक करने के बाद एक बार पॉलिसी का प्रीमियम और चेक कर लेते हैं। मैंने बताया था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है, देखिए ओन डैमेज का 1 रुपया भी यहाँ पर एडिड नहीं है, यानी अपना कोई भी कवरेज इसके अंदर नहीं है। थर्ड पार्टी का प्रीमियम है 714 रुपये प्लस में GST, टोटल 843 रुपये यहाँ पर चार्ज किए गए हैं। KYC ऑलरेडी वेरीफाइड है, लेकिन दोबारा मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। रीवेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। आप पैन कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं, पैन नंबर एंटर करना है, ये आपको ओनर का ही पैन नंबर यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि KYC वेरीफाई हुआ कि नहीं। KYC वेरीफाई नहीं हुए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है KYC वेरिफिकेशन वाया पैन हैज फेल्ड। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो उस पर टिक करते हैं और देखते हैं कि आधार कार्ड से वेरीफाई किया जा सकता है कि KYC बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहां पर आधार नंबर यानी पूरा आधार नंबर आपको यहां पर एंटर करना होगा, उसके बाद जो नाम है ओनर का नाम है आधार कार्ड में वही आपको यहां पर एंटर करना है, और डेट ऑफ बर्थ भी DDMMYYYY के फॉर्मेट में आपको यहां पर दर्ज करनी है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही ये नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, देखिए क्या ये वेरीफाई हुआ है KYC, नहीं दोबारा से फेल हो गया है। तो तीसरा ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट का, इस पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट ही हमें अपलोड करना है, हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे और चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड का देखिए पूरा फोटो जाना चाहिए, जिसमें फ्रंट वाला और बैक साइड दोनों हिस्से हैं, वही फोटो आपको अपलोड करना है ताकि वेरीफाई हो सके कि एड्रेस और आइडेंटिटी दोनों सही हैं। अपलोड पर क्लिक करेंगे ताकि KYC वेरीफाई किया जा सके। अब ये देखिए KYC अभी वेरीफाई होता है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, ये देखिए KYC वेरीफाई हो गया है, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है। अब इसके बाद ओनरशिप की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। सबसे पहले व्हीकल की डिटेल्स एक बार चेक कर लें, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, KYC वेरीफाई करने के बाद कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। उसके बाद ओनरशिप का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब चेक कर लें। जो भी अगर एडिट करना चाहें तो एडिट पर क्लिक करके यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। पिन कोड, स्टेट, सिटी सब यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद नॉमिनी की डिटेल्स हैं, नॉमिनी का नाम, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से रिलेशन, इमीडिएट फैमिली में नॉमिनी होना चाहिए। प्रीमियम ब्रेकअप एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, 843 रुपीज़ है। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे क्योंकि अब हमें पेमेंट करनी है बस।
तो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले यूपीआई का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वॉलेट से। यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो शो क्यूआर कोड पर क्लिक करके आप किसी भी ऐप से स्कैन करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी और पॉलिसी आपको मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कार्ड का, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एंटर करके आप पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं और वॉलेट से करना चाहें फोनपे से अमेजोन पे से तो जिस भी ऐप से आप चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी और उसके बाद आपको पॉलिसी मिल जाती है। पॉलिसी आपके पास आ जाएगी, केवाईसी वेरीफाई हो गए हैं। एक बार लेफ्ट साइड में जो एडवांस थे ना, इन पर खास ध्यान देना है, ये आपके सही होने चाहिए। तो दोस्तों ये आपने जाना कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे स्टेप बाय स्टेप रिन्यू करना है, सारी व्हीकल की डिटेल्स कैसे आपको चेक करनी है, ओनरशिप की डिटेल्स कैसे चेक करनी है, एडवांस आपको कहां मिलेंगे वेबसाइट पर, रिन्यूअल वेबसाइट पर, वो भी आपने देखा, और केवाईसी वेरीफाई करने का सही तरीका क्या है, केवाईसी वेरीफिकेशन फेल्ड हो जाता है तो कैसे उसको वेरीफाई करना है, ये भी आपने इस वीडियो में समझ लिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं ये रिन्यूअल की प्रोसेस आप अपने आप भी प्रोसेस कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगर आपको कोई दिक्कत फेस होती है रिन्यूअल करते टाइम तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके कमेंट में ही जवाब देकर बता दूंगा। तो वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई, आपको समझ में आई और आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट की है इस वीडियो ने, तो अपना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे इस परिवार का, इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाने की। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।